तो यहाँ से जैसे जहाँ से वो बनता है ना, वहां से स्टार्ट करके जहां तक उसको जलाना होता है वहां तक ले जाने में उसको सारा खत्म कर देते हैं, इसलिए उसको कंसुमर बोलते हैं। सो दोस्तों, दिस इज द गेम जिसको मैं अभी खरीद के लाया था। मुझे पहचानिए और कमेंट में जरूर बताइए कि मैं कौन हूँ। गाइस, होमवर्क कर लिया इसने, ये दिखाती भी उल्टा ही है। ये देखिए, चा से चम्मच, छा से छतरी, जा से जलेबी, झा से झंडा, अहिया खाली बनाया है इसने। ओ जल्दी मेरे गंजू को ढक, जल्दी ढक मेरे गंजू को जल्द। ओ मैं गुज्जा हूँ, बात नहीं करूंगा तुझसे अब। स्मार्टी, ये आ गया अपना स्मार्टी। ओ पापा की कैप पहन के अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझा कर, अबे आंख क्यों ढक रही है? आपको मेरे इस कैमरे का एंगल भी दिख रहा होगा कि मैंने किस तरह से इस एंगल को बनाया है, और ये क्या मैंने थोड़ा सा टिल्ट वे में रखा है कैमरा इस बार। और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वाला जो व्यू है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सही है, या फिर मुझे बिल्कुल सीधा ऐसे होना चाहिए जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से होना चाहिए। तो हाँ, तो मेरे हिसाब से तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोगों का जो सजेशन होगा मैं वैसे ही करूँगा। और हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या है, हमारे यहाँ पे एक मेला लगने वाला है जिसको बोलते हैं श्री कृष्ण लीला। उसको वैसे हमारे यहाँ कंस के मेले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन क्या है हमारे बाजार में से कंस निकलता है और उसको सब लोग तोड़ते हैं, मारते हैं, और उसका कंसवध बोलते हैं, कंसवध मेला बोलते हैं वैसे तो उसको। उसको यहाँ से जैसे जहाँ से वो बनता है ना, वहाँ से स्टार्ट करके जहाँ तक उसको जलाना होता है वहाँ तक ले जाने में उसको सारा खत्म कर देते हैं, इसलिए उसको कंसवध बोलते हैं। और उसमें क्या है, प्रदर्शनी निकाली जाएगी, झांकियाँ निकलेंगी, जो झांकी सबसे बेस्ट होगी उसके लिए प्राइज दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है, उस दिन भजन जकड़ी होगी। भजन जकड़ी में क्या है, जिसका पहला नंबर आएगा उसको भी प्राइज दिया जाएगा। और ये बहुत कॉन्सेप्टफुल होती है भजन जकड़ी, मतलब एक कहानी से सुनाते हैं वो अपनी भजन में, मतलब इंटरटेनिंग काफ़ी होता है। उसके बाद क्या होगा कि अब की बार खाटू श्याम जी का भी इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाया। खाटू श्याम जी का एक जागरण होगा, जागरण टाइप में क्या है भजन संध्या होगी, उसमें बहुत दूर दूर से बहुत शानदार शानदार बहुत नामी कलाकार बुलाएं। और इसमें क्या है, म्यूजिक का सिस्टम भी बाहर से आ रहा है, और जो बजाने वाले हैं जो म्यूजिशियन हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक और नया कॉन्सेप्ट जो हमारी मेला कमेटी है उन्होंने यहाँ बनाया है कि अब की बार क्या है, हमें बाजार में उन्होंने अनाउंस कराया है कि पूरी दुकान जो भी है ना, बाजार में जितनी भी दुकान है वो सारी सजाई जाएंगी। उनमें से जो नंबर वन आएगा, मतलब जिसकी इच्छा है वो अपनी दुकान सजा सकता है, उनमें से जो भी नंबर वन आएगा उसको, हाँ उनमें से जो भी नंबर वन आएगा उसको 7100 रुपये का इनाम मिलेगा। खाले पीले खाते बिना खाए पिए आराम से बैठ के अच्छी सी दुकान सजाओ, थोड़े पैसे लगाओ, 7100 रुपये का मुनाफा पाओ, मतलब एक तरीके से प्राइस दिया जाएगा 7100 रुपये का। जो भी अच्छी दुकान सजाएगा ना अपनी, उसके लिए 7100 रुपये का प्राइस दिया जाएगा। और सेकंड इनाम शायद 5100 है, फिर 3100 है, कुछ ऐसा ही है। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट ये भी लाया है, तो उस दिन क्या है हमारी दुकान भी सजाई जाएंगी। अब देखते हैं मैं अपनी दुकान सजाता हूँ कि नहीं सजाता, सजाता हूँ कि नहीं सजाता। तो ये अपना प्रोग्राम होने वाले हैं, और ये आने वाले लगभग लगभग जो दिन जा रहे हैं बस वही हैं, जो दिन जा रहे हैं बस वही हैं। उसमें मेला निकलेगा और ये मक्खी को मैं मार दूंगा, जो दिन जा रहे हैं बस वही हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस ब्लॉग्स में, अपने जितने भी ब्लॉग्स आएंगे ना उनसे, उनमें से कुछ ना कुछ तो दिखाऊंगा कि कंस मेला किस तरह से निकलता है, कंस वध कैसे होता है। तो ये सब सारी चीजें अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगा, तो जरूर एंजॉय करना और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो चलिए, अब अपनी दुकान बढ़ाने का टाइम भी हो गया और मैं मिलता हूँ घर पे आपको। सो दोस्तों, नाउ द टाइम इज़ बैक टू होम, और अपनी दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया, मैं घर चलता हूँ। और आज मैं क्या एक नया खेल, एक नया गेम लेके आया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, उसको भी मैं अनबॉक्स करूँगा और उसको दिखाऊंगा कि कितना शानदार गेम है। आपने देखा तो हुआ हो, देखा हुआ तो होगा 100%, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या गेम है। तो चलिए घर मिलता हूँ मैं आपको। फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और बस अब रिफ्रेशमेंट थोड़ा सा लूंगा और थोड़ा रिफ्रेश होऊंगा, उसके बाद रिफ्रेशमेंट लूंगा और तब मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में। आज तो भैया हमारा पोपलू जगा हुआ मिला है हमको।
पोपलू आज तो बाहर सो रही है, सोते हुए यानी छेड़ देना ऐसे, है ना, ऐसी रोवेगी, ऐसी रोवेगी यानी कुत्ते। फाइनली दोस्तों खाना वाना खा के एकदम टाइट हो गया है पेट, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना बेस्ट जो मैं खरीद के लाया हूँ वो वाला गेम। उसका नाम क्या है, उसमें डार्ट आती है ना जो ऐसे फेंकते हैं और वो घुस जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कानीवाल कुछ ऐसे ही बोलते हैं। उस कंपनी का नाम नहीं, उसका गेम का नाम भी कुछ ऐसे ही है, नाम नहीं पता, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अनभिज्ञ हूँ नाम के बारे में, मैं दिखाता हूँ अभी। सो दोस्तों दिस इज़ द गेम जिसको मैं अभी खरीद के लाया था, और ये मैं खरीद के लाया था डिकैथलॉन आगरा से। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, मैंने इसको खोल के तो अभी तक देखा नहीं है, पर देखते हैं क्या है इसमें, मुझे तो अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। तो देखते हैं इसको, अनबॉक्स करते हैं इसको। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ से खोलेगा ये। सबसे पहले इस गेम का नाम क्या है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन अगर किसी को आप में से पता है तो मुझे ज़रूर बताएं इस गेम का नाम क्या है। वैसे इस पर लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कैना, ये इस पर ये लिखा हुआ है डिकैथलॉन कैनावरल, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कैनावरल पता नहीं क्या है। तो आप में से अगर किसी को पता हो तो मुझे इसका नाम ज़रूर बताना, और मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। ये मैंने खोल लिया है, और ये देखिए इसमें 3 डार्ट आए, ये है इसके डार्ट, इसको क्या दूर से फेंकते हैं इसमें घुस जाते हैं, ये ऐसे देखो घुस गए, ये देखिए अब आएगा, ये घुस गया, फिर से ये है, फिर से तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्तों। मुझे अभी पता चला इस गेम का नाम, इस गेम का नाम है डार्ट बोर्ड गेम। ये जो डार्ट है ना, दिस इज द डार्ट, ये हो गया बोर्ड, और ये हो गया डार्ट बोर्ड गेम। बहुत ही सिंपल नाम था लेकिन मुझे पता नहीं था, अभी मुझे सौम्या ने बताया तो इसको इसका नाम पता चल गया। मैंने उसको शर्त भी रखी थी इसका नाम ये नहीं है, कुछ और ही होगा, पर ये डार्ट बोर्ड गेम है। चलिए मैं आपको एक बार खेल के दिखाता हूँ। नहीं तुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है, ये चल रहा है अपने आप। तो अब मैं निशाना लाऊंगा बिल्कुल बीच में। नहीं दिख रहा है। मैं नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। अब दिख गया, अब दिख रहा है। वो दिख रहा है, वो नहीं, फिर कैसे होगा, अब दिख रहा है। तो एक काम कर, इसको यहाँ खड़ा कर, यहाँ अब दोनों दिख रहे हैं, दिख गए दोनों। ले गया उसको, गिर गया, बीच में लगा दिया। बस देखने दो, अब दूसरा नहीं। तो दोस्तों इसको आखिर मुझे पता चल गया, इसको डार्ट बोर्ड गेम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डार्ट बोर्ड गेम। और इसको खेलने में बहुत ही मजे आते हैं, काफी मेरे साथ हमेशा खेलती है और कहती है पापा स्टैचू, और खुद जाती है और उसको बीच में लगा जाती है चुपचाप, ऐसी बंदरी हो गई है ये। मुझे बोलती थी स्टैचू, फिर बीच में लगा जाती है, फिर बोल देती है स्टैचू, फिर लगाती है दूसरे को, फिर बोलती है, फिर तीसरे को लगाती है, और फिर आके कहती है पापा ओवर, आपने तीनों बीच में कर डाल दिए, ऐसे कहती है ये। तो चलिए अपने इस वीडियो का एंड भी हम यही करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, लेकिन कोई गलत काम ना करें। हाँ चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर सब करें, सब जगह फैला दो, सब जगह सब्सक्राइब तो इतना करवाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड सब्सक्राइब करवाओ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।
लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करा दो।